हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो इनको कौन नहीं जानता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के तो ये फेवरेट लीडर है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने यूएनजीए में ऐसा क्या कह दिया कि सारी तहलका मच चुकी है इनके। फिर से इन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट ऐसा दिया है जो हम सब एग्री करेंगे। डेज व्हेन अ फ्यू नेशंस सेट एजेंडा आर ओवर। तो भाई अब चुप हो जाओ, अब बारी हमारी है, इंडिया की, ग्लोबल साउथ की। देखते हैं क्या है। एड्रेसिंग द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर स्पोक इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स ऑफ अ न्यू मोर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जिंग। तो न्यू इक्विटेबल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात यहाँ पे हो रही है, इमर्जिंग वन डेट वॉज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट डाइवर्स है, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। हीलिंग दिस डाइवर्स इंटरेस्ट टू इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, सेइंग दैट द डेज व्हेन फ्यू नेशन सेट द एजेंडा वर ओवर, व्हाइल द रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड यूएन चार्टर वर इनवोक्ड इन डेलिब्रेशन, इट वॉज स्टिल अ फ्यू नेशन दैट शेप द एजेंडा एंड सॉट टू सेट द नॉर्म, मिस्टर जयशंकर टोल द जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग। अ फेयर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर, देखिए ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं भी हम लिख सकते हैं। फेयर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर विल श्योरली इमर्ज वंस वी ऑल पुट आवर माइंड्स टू इट, एंड फॉर द स्टार्ट दैट मीन्स इंश्योरिंग द रूल मेकर्स डू नॉट सब्जुगेट रूल टेकर्स, ही सेड, एडिंग दैट वैक्सीन अपार्थाइड, देखिए, शुड नेवर बी अलाउड टू रिकर एंड क्लाइमेट एक्शन मस्ट एड्रेस हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द आइडिया डेट वेल्थी कंट्रीज मस्ट सिग्निफिकेंटली फाइनेंस द रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो तुमने यहाँ पे अपना ग्रो कर लिया, अब तुम दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करो, फाइनेंशली उनको एड पहुँचाओ। मिस्टर जयशंकर वॉज स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द वीक ऑफ नेशनल एड्रेस वेर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज कंटिन्यू टू रिमेन अ फोकस, especially in the speeches of Western leaders. However, second issue emerged last week within the explosive allegation by Canadian Prime Minister Justin Trudeau that the government of India was involved in assassinating a Khalistani separatist leader in British Columbia in June. ठीक है, ये भी एक issue रहा, और रशिया, तो दो ही issue थे, एक रशिया का और एक बेवकूफ़ का। बेवकूफ़ कौन? जस्टिन ट्रूडियो का। Nor must we countenance the political convenience determine response to terrorism, extremism and violence. ये मिस्टर जयशंकर ने फिर से बोला है, presumably referring to countries such as Pakistan and China, but also Canada, which India has accused of coddling separatists such as pro-Khalistan leaders. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercised in cherry-picking, he added. The minister spoke of Indian G20 presidency as catering of divergence and call for the form of UN and other multilateral institution. COVID-19 and ongoing conflicts, a likely reference to Ukraine, and had rolled back socio-economic gains, he said. Adding that India had taken up G20 presidency with a sense of exceptional responsibility. यहाँ पे इंडिया की बात इन्होंने फिर से तारीफ की, ठीक है। He pointed to a deep divide between global north and global south and polarization between east and west. तो ठीक है, ये देखो, अब सही में लिटरली वर्ल्ड, अगर इसको मैं वर्ल्ड मानूँ ना, तो आप देखो, ये वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस ईस्टर्न वर्ल्ड, नॉर्थ मतलब जो हाई इनकम ग्रुप्स है, साउथ मतलब जो लो इनकम ग्रुप्स है, तो थोड़ा सा डिवाइड तो है। तो उस डिवाइड को इन्होंने यूएनजीए में एड्रेस किया है। द इंटरनेशनल ऑर्डर इज डाइवर्स, ठीक है, एंड वी शैल मस्ट कैटर फॉर डाइवर्जेंस इफ नॉट डिफरेंसेस। यहाँ पे डाइवर्जेंस को कैटर करने की बात हो रही है, डिफरेंसेस को नहीं, कि डिफरेंसेस को नहीं कैटर करना है। ही सेड, न्यू दिल्ली पुश टू हैव द अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन इन G20 शुड, मिस्टर जयशंकर सेड, इंस्पायर द मच ओल्डर यूनाइटेड नेशन टू रिफॉर्म दिस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमें ऐड करो, मतलब देखो ये डायरेक्ट बोलने की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने का मतलब, अब अगर उसमें कोई भी नए मेंबर्स आएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया विल बी वन ऑफ द मेंबर। इंडिया अब ग्लोबल पावर है एक, तो इंडिया को तो वहाँ होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा वही हिंट है कि अब जब G20 में चेंज हो गया तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी चेंज करो। मिस्टर जयशंकर यूएन एड्रेस
also emphasized the BJP party line and practice in several instances. He invoked the idea of Amrit Kal, a term first used by Prime Minister Narendra Modi in 2021 to describe the next 25 years of India's development, and used Bharat in some instances instead of India. So, yahan pe India se unhone change kiya kisko, Bharat ko. Starting his address with Namaste from Bharat. Ye clip maine dekhi hai, aap bhi please ek bar check kariye, bahut acha hai. Namaste from Bharat. The minister ended it by referring to India, that is Bharat. तो यहाँ पे इन्होंने मतलब literally article 1 को quote कर दिया है कि इंडिया हो चाहे भारत हो एक ही बात है. Citing India's membership to diverse grouping including the Quad, that is India, Australia, Japan and US, and expanded BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, and I2UTU, India, Israel, and US and UAE. तो इसमें दो I2 है, दो U2 है. तो इसीलिए मिस्टर जयशंकर argued that India had moved from the non-aligned era to one of विश्वमित्र, a friend to a world. तो non-aligned से इंडिया आगे बढ़ के एक friend की तरह काम कर रहा है, mediator की तरह काम कर सकता है, किसी भी group में इंडिया की सबसे बनती है. यहाँ पे सबसे बड़ा चीज इन्होंने यही बताया है, विश्वमित्र. विश्व मतलब ग्लोब एंड मित्र मतलब फ्रेंड, तो विश्वमित्र विल बी ग्लोबल फ्रेंड. यहाँ पे यही चीज इन्होंने बताया है. This reflected India's ability to work with diverse set of nation and harmonize interest when necessary, he said. India aspire to be leading power, not for self-aggrandizement. Leading power not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility. ठीक है, यहाँ पे बोल दिया India leading power बनना चाहता है अपने लिए नहीं, responsibility के लिए. Mr. Jaishankar said, India was confident that it would be propelled forward by talent and creativity, he said, and he cited the Chandrayaan-3 moon landing. The goal we have set for ourselves will make us different from all those who rise preceded ours, he added, referring presumably to China's rise, but also to US and former colonial power like Britain. तो ये जहाँ पे बोलते हैं सब लोग सुनते हैं और सब लोग चुप रहते हैं, और आधों को पाकिस्तान वालों को तो हवा भी नहीं लगा होगा बोला क्या इन्होंने, तो इसको इग्नोर करो, ये इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, चाइना ठीक है थोड़ी बात कर लेंगे, पर ये भी बेवकूफ़ी है. तो ये तो भाई इनको तो हटाई दो, ये क्या बेवकूफ़ है. और इसको तो बेचारे इसके वजह से, जस्टिन ट्रूडो की वजह से, तो ठीक है. और बाकी इन्होंने जो जो बोला है आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने भारत से स्टार्ट किया है, यहाँ पे इन्होंने नमस्ते फ्रॉम भारत एंड किया है रेफरिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया डेट इज भारत. तो इन्होंने क्लियर कर दिया इंडिया भारत हम दोनों किसी भी स्टेज पर दोनों नाम बोलेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता. ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है कि अपना काम बनता, बाकी जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हम तो वही करेंगे जो हमें सही लग रहा है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, G20 में हमने अफ्रीका को ऐड कर दिया उसकी बात हो गई, एक्सट्रीमिज्म वायलेंस टेररिज्म की बात हो गई. ठीक है, उन्होंने एड्रेस कर दिया इनडायरेक्टली सबको. ठीक है, अब देखो प्रो खालिस्तानी लीडर कनाडा चाइना पाकिस्तान, इनको इन्होंने इनडायरेक्टली सबको सब कुछ कह दिया, बता दिया इंडिया को क्यों बनना है लीडिंग पावर, यहाँ पे खुद के लिए नहीं बनना है, फॉर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को बनना है. ठीक है, I2 हो, U2 हो गया, ठीक है आप देखिए ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया. सो इन सब के वजह से इंडिया क्या है, आपका विश्व मित्र है. तो इंडिया है आपका, इंडिया इज ग्लोबल फ्रेंड. ठीक है, आप देखिए इंडिया ग्लोबल फ्रेंड है, एंड इंडिया हैज एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स सेट ऑफ नेशन एंड हार्मोनाइज इंटरेस्ट, यहीं पे ये बात हो गई. और इन्होंने साफ बोल दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अपग्रेड करो, अपडेट करो, जब G20 में हम अफ्रीका को ले आए तो आप इसको भी करो. तो ऑब्वियसली इसको होगा तो इंडिया विल वन ऑफ द ऑप्शंस कि इंडिया को करना ही है, एंड वी मस्ट कैटर डाइवर्जेंस नॉट डिफरेंसेस, ये भी इनका बहुत अच्छा चीज़ है. और एक इन्होंने ये बोला, इन्फोर्स्ड आर यू मस्ट इंश्योर रूल मेकर डू नॉट सब्जुगेट रूल टेकर,
तो जो रूल बना रहे हैं रूल मेकर, वो रूल टेकर जिसके ऊपर रूल बन रहा है वो सब्जुगेट ना करे, तब हमारे लिए फेयर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर सेट होगा। यहाँ पे इसकी भी बात हुई है, मोर इक्विटेबल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जिंग। तो ये हमारा एक मेन मोटिव था, डाइवर्स इंटरेस्ट है इंडिया के, यही चीज़ इन्होंने हर जगह बताया। इन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया है फिर से, बस इन्होंने इतना बोला कोविड एंड दी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, तो इन्होंने ऐसे डिनोट किया है रशिया को। ठीक है, एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर है, यही बात हो रही है। इन्होंने इंडिया की तारीफ की और जो भी इंडिया के खिलाफ है उनकी भाई की, उन लोग को समझ में आए ना आए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।